था चाइना को सेफ है, तो यहाँ पे टेंशन तो होती कोई नहीं आप किस टाइम जाओ। तो फिर जब हम ज़्यादा फ्री होते हैं तो फिर उस टाइम चले जाते हैं, रूम में जाके सोना ही होता है, तो और तो कोई काम होता नहीं है। तो ये चाइना बहुत ज़्यादा सेफ है, चाहे आप तो यहाँ सेफ्टी का कोई सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। सारी रात यहाँ पे लाइट्स वगैरह जलती रहती है, उन्होंने बैठने के लिए जगह बनाई भी है, आप यहाँ बैठ सकते हैं। और अगर आपको कोई ड्रिंक वगैरह चाहिए तो वो भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो आजकल तो ठंड है तो मैं तो नहीं लेने दूँगी कोई भी। तो अगर आप लोगों को कोई पसंद है तो आप बता दें, अगर आपको कोई चाहिए तो। ये देखें फ्रेंड्स कितनी खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं। फ्रेंड्स बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये मैं अपनी छतरी खोलने लगी हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने छतरी खोल ली है, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से शुक्र है मैं ऊपर से छतरी उठा के ले आई थी, वरना मैं तो गीली हो जाती। यहाँ पे चाइना में एक चीज़ है कि आपके पास हर टाइम छतरी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइम फ्रेंड्स बारिश हो जाती है, बारिश का यहाँ बिल्कुल भी पता नहीं लगता। ये देखिए फ्रेंड रात का टाइम है, लेकिन यहाँ कोई इशू नहीं होता, ये बिल्कुल सिक्योर है, सेफ्टी है, हर जगह यहाँ पे कैमरे ही कैमरे लगे होते हैं। तो दिन को मैं आपको सारा यूनिवर्सिटी का विज़िट करवाऊँगी, जो जो आप डिपार्टमेंट बोलेंगे, जो जो आप चीज़ बोलेंगे, और जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बताते जाएँ, मैं आपको बताती जाऊँगी। तो आप ये देख सकते हैं इतना अच्छा व्यू आ रहा है, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फ्रेंड्स आप बताएं आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और आपके वहाँ पे क्या टेम्परेचर है इस टाइम। ये देखिए आप ऊपर नज़र आ रहे होंगे कैमरे लगे हुए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। तो ये तो शुक्र है मैं छतरी ले आई थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर मैं छतरी ना ले कर आती तो मैं तो बिल्कुल ही गीली हो जाती फ्रेंड्स, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। इतनी ठंड में तो बंदा मोबाइल भी नहीं पकड़ सकता। ये देखिए फ्रेंड्स हर जगह इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हुई हैं, और ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है इन्होंने चाइनीज न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए लगाया हुआ है। आजकल तो चाइनीज़ अपने गए हुए हैं घरों को चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने, वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। और जब स्टूडेंट्स वापस आएंगे तो मैं बड़ी गहमा गहमी होगी, मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ। तो फ्रेंड्स आपको रात को इतना अच्छा व्यू नहीं आएगा, नज़र नहीं आएगा, तो मैं आपको दिन के टाइम सारा दिखाऊंगी। आप मेरी वीडियोज़ वॉच करते हैं और कमेंट्स बॉक्स में साथ से बता दिया करें आप कहाँ से देख रहे हैं, और अगर न्यू है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें। और भी किसी किस्म की आपको चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी किस्म की, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दिया करें, मैं आपको बता दूँगी, आपको वो चीज़ भी विज़िट करवा दूँगी, उसकी वीडियो भी बना दूँगी। आपको नज़र आ रहा होगा ये इन्होंने एमरजेंसी के लिए लगाया हुआ, अगर कोई भी आपके साथ मिसहैप होता है, इशू होता है, ह्यूमन हैरेसमेंट है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे फौरन पुलिस को कॉल कर सकते हैं। उनको ये सिर्फ आपने बटन प्रेस करना है, फौरन उनके पास मैसेज पहुँच जाएगा कि ये आपको नज़र भी आ रहा होगा इसके ऊपर लिखा हुआ है एमरजेंसी। तो किसी भी किस्म की एमरजेंसी में आप उनको बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना खूबसूरत इन्होंने लगाया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है।
फ्रेंड्स बहुत अच्छा और खूबसूरत व्यू आता है, रात में इतना अच्छा व्यू नहीं आता है। मैंने कहा कि मैं थोड़ा फ्रेंड्स को दिखा दूँ कि यहाँ सेफ्टी वाइज कितना अच्छा है, आप देख सकते हैं कितना सिक्योर है सब कुछ। चाइनीज की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, कोई इशू नहीं है किसी किस्म का, बाइक्स वगैरह भी सबके खड़े हुए हैं। 24/7 यहाँ पर सिक्योरिटी होती है। अभी तो बारिश हो रही है, जब बारिश नहीं हो रही होती तो 24 घंटे यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो राउंड लगा रहा होता है, विजिट्स कर रहा होता है आके। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं, दरख्त ही दरख्त है। तो अभी ये कुछ चाइनीज है, ये भी अपने रूम में जा रहा था, छोटी सी इन्होंने नदी बनाई है। मैं आपको दिन को किसी टाइम विजिट करवाऊंगी। आजकल आपको चाइनीज नजर नहीं आ रहे क्योंकि सब अपने घरों को गए हुए हैं स्प्रिंग फेस्टिवल मनाने। ये कोई गाड़ी आई है, इसमें कोई मेरे ख्याल में चाइनीज बताने लगी और चीज़ दिखाने लगी हूँ कि ये इसका यूनिवर्सिटी का गेट कैसे ओपन होगा। उसमें जो हमारा होता है वो फेस जो स्कैनर है वो इसको बनाइज करेगा और उसके बाद दरवाज़ा खुलेगा। तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि भाई किस तरह क्या सिस्टम होते हैं, क्या कितना इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाए हुए हैं, किस तरह इन्होंने चीज़ें सिक्योर की हुई हैं अपने यूनिवर्सिटीज़ को और कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास है। तो बस मैं दरवाजे तक पहुंचने लगी हूँ फ्रेंड्स, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि जैसे ही मैं अंदर आगे जाऊँगी वो मेरा फेस रीड करेगा और फौरन आगे से दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये देखिए इनकी कितनी आई और अच्छी टेक्नोलॉजी, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और वैसे ही बाहर खड़ी हुई हैं, कोई टेंशन नहीं होती इनको क्योंकि बहुत सेफ है सिक्योरिटी वाइज के हिसाब से, हर जगह कैमरे हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी होगा। तो ये अब आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये दरवाज़ा आ गया है। तो जैसे ही मैं आगे आऊँगी तो वो फेस रिकॉग्नाइज करेगा और खुद ब खुद दरवाज़ा खुल जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसा ही सेम टू सेम सोसाइटी में भी ऐसा ही है। ये देखा फ्रेंड्स, आपने देखा होगा फ्रेंड, जैसे ही मैं आगे आई हूँ तो उसने फौरन वहाँ पे खुल गया है। तो ये बस आज की इंटरेस्टिंग चीज़ थी, तो मैंने कहा मैं फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूँ। तो कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। ये मेरी सामने ही डोमेट्री है जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो कल मैं आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। लव इज़ फ्रेंड्स।